पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पश्चिम उत्तर प्रदेश के बरेली, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल के 12 जिलों में कांग्रेस के ग्राम पंचायत अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष तक के पदाधिकारियों से सीधा संवाद करने के लिए सोमवार को प्रियंका वाड्रा का मुरादाबाद आगमन था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण प्रियंका कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। सम्मेलन में जिला कार्यकारिणी, नगर कार्यकारिणी और महानगर कार्यकारिणी के सदस्य भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशन में एसपीजी की निगरानी में पंडाल के बीच में रैंप बनाए गए थे। 12 जिलों के अलग अलग ब्लॉक बनाए गए थे। सभी ब्लॉकों के मुख्य गेट पर जिले के नाम की पट्टिका लगी थी। सभी पदाधिकारी अपने अपने जिले के ब्लॉक में बैठे रहे। लक्ष्य 2022 पदाधिकारी प्रतिज्ञा कार्यकर्ता सम्मेलन रामलीला मैदान में होना था। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम मुरादाबाद पहुंच गई थी। हालांकि इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका वाड्रा की तबीयत खराब होने की सूचना आ गई। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रियंका मुरादाबाद नहीं आ रही हैं, उन्हें वायरल हो गया है। जल्द ही मुरादाबाद में रैली आयोजित की जाएगी। देखिए, जैसा ज्ञात हो रहा है, तेज वायरल बुखार के नाते, चूंकि कल भी बुलंदशहर गई थी, उन्हें बुखार था, अभी तेज वायरल बुखार होने के नाते उनका कार्यक्रम प्रियंका जी के आने का स्थगित है। लेकिन कार्यक्रम का जो संवाद, पदाधिकारियों से संवाद सम्मेलन होना है, वो होगा, और भी हमारे पार्टी के शीर्ष लीडर और हम सब लोग उस संवाद को स्थापित करेंगे। आपके द्वारा ही कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा, और भी पदाधिकारी आएंगे और हमारे नेता आएंगे जो संवाद स्थापित करेंगे। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि राजनीति में सभी विकल्प खुले रहते हैं। दरअसल वो आरएलडी के जयंत चौधरी से हाल ही में हुई मुलाकात पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। आज मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को पहुंचना था, लेकिन अचानक उनका दौरा कैंसिल होने के बाद दीपेंद्र हुड्डा मुरादाबाद पहुंचे और कार्यक्रम को यथावत आयोजित करने की बात कही। वहीं जब दीपेंद्र हुड्डा से फारूक अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान पर पूछा गया तो वो बचाव करते हुए नजर आए। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश का माहौल अब ऐसा हो गया है कि उन्हें डर लगता है। इसके साथ साथ और कई सवालों पर दीपेंद्र हुड्डा बचाव की मुद्रा में नजर आए। हाँ, इतना जरूर कह गए कि मुरादाबाद में प्रियंका गांधी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जल्दी ही उनकी बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। कांग्रेस आज के कार्यक्रम को लेकर डैमेज कंट्रोल में लग गई है, जिसके लिए दीपेंद्र हुड्डा मुरादाबाद पहुंचे हैं। तीन जो कमिश्नर हैं उनका यहाँ पे आज मुरादाबाद में हमारा सम्मेलन था। कल बुलंदशहर में सम्मेलन था, उस समय भी प्रियंका जी को हल्का बुखार था, तो वायरल बुखार आज उनका ज़्यादा उनको सुबह था, तो इसलिए उनका यहाँ पे कार्यक्रम कैंसिल हुआ है। कार्यक्रम हमारा कैंसिल नहीं हुआ, अब हम उसी में जा रहे प्रतिज्ञा सम्मेलन के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ताओं से और संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनसे संवाद स्थापित करके जो हमारी सात आठ प्रतिज्ञाएँ हैं, या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सहयोग से अगर सरकार बनी तो हमारी क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी, उन बातों को लोगों तक लेके जाएँ। और प्रदेश में भाजपा सरकार जो चल रही है, जो जिस अहंकार में चल रही है, उनका अहंकार तोड़ें और प्रदेश में बदलाव लाएं। प्रियंका जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी एक लड़ाई लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। हर वर्ग जिसके साथ, हर वंचित वर्ग जिसके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ अगर कोई खड़ा होकर लड़ाई लड़ रहा है तो प्रियंका गांधी जी लड़ रही है। उसी बात को, उसी भावना को आगे लेके जाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मेरी जिम्मेदारी लगी है, आज उनका कार्यक्रम रद्द हुआ है तो मैं उसी कार्यक्रम में जाऊंगा। और एक मैसेज चल गया है, स्टार्ट हो गया कि बुलंदशहर में रैली पे उनका फ्लॉप हुआ कार्यक्रम, इसलिए यहाँ कैंसिल कर दिया उन्होंने, एक मैसेज इस तरह का चल रहा है। कोई जो है, हमारी लगातार रैलियाँ हो रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, बहुत सफल प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमारी गोरखपुर में बहुत ज़बरदस्त रैली हुई, बनारस में बहुत ज़बरदस्त रैली हुई, और अब मेरठ में 30 तारीख को बहुत ज़बरदस्त रैली करेंगे। बुलंदशहर में बहुत अच्छा हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा, मैं स्वयं उस सम्मेलन में था। जो हमारा कार्य, ये हमारा आज भी, कल भी और आज भी, कोई रैली नहीं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन, और वो भी हमारे पदाधिकारियों का सम्मेलन, तो रैली में इसमें फ़र्क है। प्रियंका जी ने आज कार्यक्रम जब ये यहाँ पे रद्द हुआ तो साथ ही साथ ये कहा कि मुरादाबाद में एक रैली की जाएगी, जल्दी एक रैली की जाएगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।